हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं कि पूरा बात कुछ करने नहीं वाले हैं, बस मतलब ये पूरा कमेंट का रिप्लाई करेंगे कि कहाँ से, मतलब सबका जो भी जिसने जो भी कुछ बोला है, पूछा है और रिएक्ट किया है, जो भी सबका पढ़ेंगे और रिप्लाई करेंगे शुरू से। मतलब आई थिंक 2 महीने पहले से मैंने बिल्कुल नहीं देखा था, तो आज सब क्लियर करते हैं, तो चलते हैं। सबसे पहले किसी ने लिखा है कोड लकी करके। अरे भाई साहब, इन्होंने बहुत लंबा चौड़ा लिख दिया है भाई। अच्छा, इनका बारे में देखते हैं। इनका ब्रो, 12th में मिनिमम मार्क्स कितने चाहिए और आपको कितने 12th में थे? भाई क्या मतलब, इसका मैं समझा नहीं, क्या 12th में कितने मिनिमम मार्क्स होने चाहिए? मतलब जितना अच्छा रहे उतना बढ़िया, और बाकी तुम 75 और 70 अब रखने की कोशिश करो। और मेरा 84 था, हाँ 84 था, बट मेरा मैथ्स और फिजिक्स में 90+ था। और फिर लिखते हैं अनुराग, थैंक यू फॉर मेकिंग वीडियो। अरे भाई थैंक यू भाई, मतलब इधर अच्छा लगता है। भैया मैंने 12th में PCM है और मैंने बिजनेस में करना चाहता हूँ। हाँ ठीक है, ये मैंने पहले पढ़ा था। हाँ तो आप कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप इधर स्टूडेंट को लेकर आओ करो, मतलब टी कोर्स में। फिर उसके बाद बिजनेस इन्फॉर्मेटिक, वो इन्फॉर्मेटिक का ही पार्ट है, थोड़ा एक्सटेंडेड वर्जन, तो आप उसमें कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप टी कोर्स ही लोग इधर। हाई इज द टेस्ट फॉर स्टूडेंट कॉन्टेंट स्कूलिंग इन इंडिया है? नहीं भाई, ऐसा कोई टेस्ट वेस्ट तो नहीं है, लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि आपका कोर्स कौन सा अवेलेबल है इधर, और उसमें रिक्वायरमेंट क्या है। लैंग्वेज मतलब इंग्लिश टॉट है या फिर जर्मन टॉट है? जर्मन टॉट होगा तो आपको शायद से आइंस या से आइंस या DSH सवाई देना पड़ता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग को देखना पड़ेगा। आपका कितना था टेस्ट टेस्ट में? फिर मेरा 190+ था, मतलब 197 के आसपास था। न्यू फ़ोन ले लिया, कॉन्ग्रेचुलेसन, थैंक यू भाई। ये मेरा एक दोस्त है, ये गुलाबी दिल प्रिंस कुमार, दोस्त का मतलब गांव का भाई है भाई। वाई डोंट भाई नहाने का टाइम, मतलब यार यार सर्दियाँ थी उस समय, और सर्दियों में रोज़ रोज़ कौन ना आता है भाई, तुम बताओ। अभी थोड़ा गर्मी का सीज़न है तो नहाने का चीज़ समझ में आता है, और उस समय तो सर्दियाँ थी जब ये गोल्डन बुगाटी करके कोई है बंदा, तो इन्होंने कमेंट किया, तो उस समय भाई सर्दियाँ थी इसलिए नहीं नहाया। नहाता हूँ वैसे, मैं मलीच नहीं हूँ भाई। भाई आपके कोई वीडियो में वॉइस? अच्छा भाई, वॉइस का मैं टेक कर करूँगा यार, मैं ट्राई कर रहा हूँ, बट यहाँ माइक काफ़ी महंगा आ रहा है, तो मैं अभी इधर नहीं लेने की सोच रहा हूँ। कोई इंडिया से दोस्त आएगा तो उससे मंगवा लूँगा, या फिर आप लोग आ रहे हो तो बताओ। भाई बुक्स इंग्लिश में रहते हैं या जर्मन में? भाई बुक्स जर्मन में रहते हैं, जर्मन्स के, और इंग्लिश में आई थिंक, अगर आप कंप्यूटर अगर आप जर्मन टॉट में आओगे तो इंग्लिश बुक्स आपकी जर्मन्स में रहेगी, जर्मन में रहेगी, और इंग्लिश टॉट में आओगे तो इंग्लिश में रहेगी। यहाँ पे सारलैंड में हम लोग का इन्फॉर्मेटिक इंग्लिश में है, तो हमें इंग्लिश में रहती हैं बुक्स वगैरह। और लव यू ब्रदर, मनीष कुमार लिखते हैं, इनको तो मैं जानता हूँ, थैंक यू भाई। और सेंसिबल राइटर, भाई 5-स्टार होटल गए हो तो आपको ये पता होगा जर्मनी का न्यू, वो रूम टूर की बात कर रहे हैं। भाई मैं नहीं गया हूँ 5-स्टार होटल, मैं धर्मशाला में रहने वाला आदमी हूँ। कहीं हम लोग घूमने जाते हैं दोस्त वगैरह तो धर्मशाला में रहते हैं, 5-स्टार होटल कहाँ से जाएंगे भाई। और तुम? नहीं नहीं रहा हूँ भाई बिल्कुल, तो मेरे लिए सब नई चीज़ें हैं भाई। और हाँ बस यही था, नहीं गया 5-स्टार छोड़ो भाई, मतलब मैं ओयो भी नहीं गया हूँ। भाई मेरे 75% थे 12th में, क्या मैं जर्मनी आ सकता हूँ? बिल्कुल आओ भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करो और स्टूडेंट को लिख के अप्लाई करो, नहीं तो फिर 1 ईयर इंडिया में करके आ जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ब्रो स्टूडेंट लोन कैसे मिलेगा और क्या क्राइटेरिया है, इस पर वीडियो बनाओ। मैंने एक बार कोशिश किया था यार, वो कोई एक है, नाम नहीं लूँगा, उन्होंने मेरे को कॉन्टेक्ट किया था कि हमारे पे वीडियो बना दो, मैं हम लोग लोन प्रोवाइड करते हैं, तो मैं सोच रहा था बनाऊँ ना बनाऊँ, क्योंकि वो लोगों ने मेरे को कॉन्टेक्ट किया था, तो फिर मैंने सोचा कि रहने देते हैं। अगर इस पर सच में चाहिए वीडियो कि कैसे लोन वगैरह मिलेगा, आप लोग स्ट्रगल कर रहे हो इस चीज़ के साथ, तो मैं उनसे बात कर लूँगा कि ठीक है लोगों को चाहिए ये चीज़, तो मैं उस पर बना दूँगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ये हो गया पार्टी वीडियो लो अपलोड। ये अयोध्या कुमार, ये मेरा एक दोस्त है, अभी तो ये अच्छा खासा कर रहा है इंडिया में, मतलब इसको इसका नेवी में हो गया है आई थिंक, तो बढ़िया भाई। कर दूंगा वीडियो, पार्टी वाला वीडियो अपलोड। भाई स्टूडेंट को लीग में पार्ट टाइम जॉब शुरू हो गई है क्या? हाँ, अब आप स्टूडेंट को लीग में भी पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो,
तो ये अच्छी बात है आज अब, क्योंकि यार सब मतलब मैंने काफ़ी लोगों से बात किया जो इधर आना चाहते हैं, तो उनको ये रहता है कि भाई उधर जाके एक्सपेंसेस कैसे मैनेज होंगे, हो जाते हैं मैनेज भाई, इसके लिए परेशान ना हो। तो अब तो मतलब इन्होंने इतना अच्छा कर दिया कि स्टूडेंट को लेकर भी पार्ट टाइम कर सकते हो, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अरे भाई शुभम आजा हजरा, ये लिखते हैं भाई, याद आ रही है क्या उसकी? किसकी भाई? इंडिया की याद आ रही है भाई, और कुछ नहीं। मस्त भाई, एक नंबर प्रोफेशनल एडिटिंग किया, थैंक यू भाई। दुर्गेश कुमार, इनको भी मैं जानता हूँ, आई थिंक ये दुर्गेश कुमार, आई थिंक ये गोरखपुर से है ना। और प्रिंस भाई कमेंट करता है, और ये धीरज मेहता ब्लॉग, ये इनको भी मैं जानता हूँ, मेरे गांव के हैं। और थोड़ा थंबनेल क्रिएटिव बन करो ब्रो, कोशिश कर रहा हूँ यार। अब मतलब समझ में नहीं आता कि क्या ही डाल दे थंबनेल में, ऐसे सोचते हैं फिर कहते छोड़ो बे डाल देते हैं ऐसे ही। हाई, आई हैव सबमिटेड आवर वीज़ा डॉक्यूमेंट ऑन 15 मार्च, सो आई एम राइटिंग ओवर माई वेटिंग फॉर माई वीज़ा, देन यूनिवर्सिटी लेक्चर्स इंटरव्यू, आई फील नर्वस सो आई डिले वीज़ा बिकॉज 2 मंथ कम्प्लीटेड इन माई ओपिनियन, वीज़ा अप्रूवल रिजेक्टेड, सी आज दैट यू विल बी कनेक्टेड एज सून एज योर एप्लीकेशन इज बीन। भाई देखो ऐसा ये सीन है ना, मतलब मेरे कुछ दोस्तों के साथ हुआ था कि मतलब वो एकदम घोस्ट कर देता है लोग भाई, तुम्हारा कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं करेगा, और फिर बस आप क्योंकि आप VFS को सबमिट किए हो अपना वीज़ा, तो आपके पास कोई आइडिया नहीं होता, उनको इवन उनको भी कोई आइडिया नहीं होता कि ये आपका मतलब ये जो कॉन्सुलेट है वो क्या कर रहा है प्रोसेस, तो उनको भी कोई आइडिया नहीं रहता, तो वो तुमको क्या ही बताएंगे। तो भाई इसमें भाई कोई कुछ नहीं कर सकता, मतलब बस वेट करो भाई। मतलब मेरे दोस्त तो कितने हैं कि 2.5-2 महीने तक उनका कुछ नहीं आया, फिर आ गया वीज़ा, तो आ जाता है, परेशान ना हो, लेकिन वेट तो करना पड़ेगा भाई। अंकित भाई प्लीज़ वेक वीडियो अबाउट हाउ टू अप्लाई एंड गेट इन टू सालेड यूनिवर्सिटी भाई, बहुत आसान है भाई, बहुत आसान है। 92+ वेव लाओ, अगर विंटर में आ रहे हो 94+ लाओ, और इनके वेबसाइट पे जाओ, सिम सारलैंड करके है उस पे VSImment के लिए बस ऑप्ट करो और अप्लाई कर दो, बहुत ईजी है, मतलब इसमें कोई लोचा नहीं है भाई, ये वही जगह जहाँ पब्लिक अरे भाई पता नहीं भाई, ये तो वो नहीं था नाइट आउट वाले वीडियो पे, इन्होंने दिनेश दीपांशु करके कर कोई हैं, इन्होंने कमेंट किया। हाय अंकित भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रेट कंटेंट, थैंक यू भाई। आई वांटेड टू नो इन जार बुक एंड डू दे प्रोवाइड सेकंड ईयर वीज़ा एक्सटेंशन विदाउट ब्लॉक अमाउंट एंड जॉब कॉन्ट्रैक्ट और इफ। हाँ भाई मेरा भी अभी सेकेंड मतलब मेरे को 2 साल का भी वीज़ा मिल जाएगा 1 महीने में, मतलब मेरा डॉक्यूमेंट आ गया है, बस कार्ड लेने जाना है, तो मेरे को बस 5,000 मेरे अकाउंट में थे, मैंने वही दिखा दिया कि मेरे पास ये हैं, तो उन्होंने बोला ठीक है, और मेरे को 2 साल का वीज़ा दे दिया है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मेरे को तो काफ़ी इजीली मिल गया, और अभी काफ़ी मेरे एक और दोस्त को भी मिल गया है, और अभी दे दे रहे हैं, इजीली दे दे रहे हैं। और हाँ ब्लॉक्ड अमाउंट नहीं दिखाना पड़ता है मोस्ट ऑफ टाइम, बट यार किसी किसी का आप किस्मत ही ऐसा होता है ना, और वो खड़ूस आ जाते हैं वीज़ा ऑफिसर, तो वो मांग लेते हैं, लेकिन बहुत रेयर है। और है थैंक्स फॉर यू, कैन यू प्लीज़ मेक रिक्वायरमेंट स्टूडेंट टू शो ब्लॉक डाउन फॉर द भाई, इसका टेंशन नहीं लो यार, मतलब लिटरली इसका टेंशन नहीं लो कि अगले साल कैसे वीज़ा एक्सटेंशन के टाइम कैसे दिखाएंगे। देखो तो सबसे सबसे आसान ये है कि कोई भी जॉब कॉन्ट्रैक्ट लो वो लेके चले जाओ, इजीली मिल जाता है कि हाँ भाई मेरे पास जॉब कॉन्ट्रैक्ट है, तो मैं अपना इधर अपना सर्वाइव कर पाऊँगा, तो वो लोग दे देते हैं, इतना झोल करने वाली बात नहीं है। ब्रो कैन यू टेल मी हाउ योर लैंग्वेज, आई नीड इन्फॉर्मेशन अबाउट ओके, इनको मैं पर्सनली बात करूँगा इनसे कोई। हाँ ठीक है, आप अरे इस अच्छा इनसे बात करता हूँ। इज इट ट्रू इट्स स्टेशन फॉर या हाँ, जेफरी कावे सॉरी अगर मैं प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ अच्छे से, तो हाँ भाई यहाँ ट्यूशन फी नहीं है, यहाँ मतलब कोई चार्जेस नहीं है, हमने दिया था 360 यूरो के आसपास, उसमें हमारा ट्रैवलिंग वाला मतलब पूरे सारलैंड में हम घूम सकते हैं, लग्जमबर्ग जा सकते हैं फ्री में, तो अच्छा है। और इधर ट्यूशन फ़ी नहीं है, वही कंट्रीब्यूशन लगता है जो कि काफ़ी मिनिमल होता है। और कैसे हैं लिखती हैं प्रिंकी कुमारी, अच्छा हूँ, इनको मैं जानता हूँ पर्सनली, ट्वाइस सोल्डर सोल्जर किसी, इन्होंने लिखा है बंदी मिली मिला बंदी मिला
क्वेश्चन ठीक करो भाई। ऋतिक राजन से इनको, ये भी मेरे गांव के हैं, मतलब मेरे गांव वाले काफ़ी मुझे सपोर्ट करते हैं तो, और वो कमेंट वगैरह करते रहते हैं मेरा, तो अच्छा लगता है यार। और ये भी मेरे गांव से है, मतलब ये मेरा लंगोटिया यार है कह सकते हैं। और मतलब ये तीनों हम लोग का ऐसा है कि अभी सब लोग गांव में नहीं है, लेकिन सब लोग ऐसे जब पहुंचता है तो गांव, भाई मैं प्रॉपर गांव से आता हूँ तो कभी दिखाऊंगा अगले ब्लॉग, मतलब अगले क्या, कभी जाऊँगा इंडिया तो मैं दिखाऊँगा अपने गाँव की खूबसूरती। ये पूछते हैं खूबसूरत परी कौन है। अरे मारो। आपके कितने आए हैं भाई, प्लीज़ बताओ भाई। देखो यार, मैं 10th और 12th दोनों बिहार बोर्ड से हूँ, और मेरे 10th में 76 थे और 12th में 84 पॉइंट समथिंग था, 84.6 के आसपास। हाँ, पर मैथ और फिजिक्स, मैथ मतलब 10th में मैथ और साइंस में अच्छे नंबर थे, आई थिंक उसमें 80+ था, और 12th में 90+ था दोनों में। और फिर ये पूछते हैं एएस क्रिएटर, क्या उस बिल्डिंग के बारे में बताओ। भाई देखो, मैंने कई बार सोचा इस टॉपिक के बारे में वीडियो बनाऊँ, लेकिन मेरे को ऐसा ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन कहीं से मिल नहीं रही थी, ना मैं किसी लोगों से टच में हूँ जो हाउस बिल्डिंग इधर कर रहे हैं। मेरे काफ़ी दोस्त हैं जो इंडिया में हैं, जो इधर हाउस बिल्डिंग करने के लिए आने वाले हैं, पर उनका भी कुछ हो नहीं पा रहा है, इसलिए मैं इस पर नहीं बनाना चाह रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी ज़्यादा इस बारे में आइडिया नहीं है। पर मैं कोशिश करूँगा कि करूँ। लैंग्वेज कहाँ सीखे ब्रो, मतलब भाई मैंने लैंग्वेज लैंग्वेज पैंथन सीख गया था जो दिल्ली में है। सात्विक तेजस लिखते हैं, अरे ये मैं जानता हूँ इनको, ये लिखते हैं क्या बात ब्रो, कीप इट अप, थैंक यू भाई। और ये विशाल शर्मा, ये मेरा लड़का है यहाँ जो बैठा था उस वीडियो में, वो लिखता है इतना मस्कुलर बंदा कौन है इसका, हमेशा वो मतलब काफ़ी जिम गया है, मतलब वो हमेशा जिम जाता है, तो हर जहाँ भी ऐसे रहेगा तो ऐसे कर देगा कि भाई उसका बॉडी फ्लेक्स हो। और इसमें भी लिखता है वो कि इतना मस्कुलर बंदा कौन है, मारूंगा तेरे को, माफ़ी भैया गुस्साइएगा नहीं। फिर ये कोयल लिखते हैं, कहीं नहीं बुक का पर्सनल मीटिंग विथ यू, भाई वो करने की ज़रूरत नहीं है, आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो ग्रुप में, हम लोग बात कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये माय फैमिली माय वर्ल्ड, मेरी दीदी हैं। ये लिखती है नाइस वीडियो, थैंक यू। और नुमैदिक अमन, JBL हेडफोन्स हैं? हाँ भाई मेरे पास है JBL हेडफोन्स, ये रहा। और सो फनी, मज़ा आ गया, ये राइडर BR45M, ये ऋतिक राजवंशी के भाई हैं, तो ये मेरे गांव का बंदा है, और ये बहुत फनी है, मतलब सही है, चलो। और अयोध्या कुमार फिर से लिखते हैं नाइस वीडियो, नहीं बोला कि ये लोग जो है ना, मतलब मेरे जो कोर हैं, मतलब जो मेरे गांव के लोग हैं, गांव के जो मैं इनको गांव से जानता हूँ, वो लोग मतलब हर वीडियो पे लिखेंगे ही लिखेंगे, भले दो गुलाबी दिल डाल देंगे, जैसे कि इस पे प्रिंस ने डाला है कि दो गुलाबी दिल, ठीक है भाई दो गुलाबी दिल, मैं अभी चार गुलाबी दिल डाल दूंगा। जर्मन कहाँ से सीखी, लैंग्वेज पैंथन से भाई। दुर्गेश कुमार पूछते हैं, भाई हाउस बिल्डिंग के बारे में बताओ। आई एम सॉरी भाई, तुमने ये दूसरी बार कमेंट किया, बट मैं ट्राई करूँ यार, पता है देखो ऐसे, मतलब हाउस बिल्डिंग का मैं, अच्छा ठीक है मैं कोशिश करता हूँ, किसी से बात करता हूँ इस बारे में। भाई इतनी जर्मन किधर से सीखा, वही भाई लैंग्वेज पैंथन, भाई बिल्कुल नहीं आती मुझे जर्मन, लिटरली बस पता नहीं मुँह से कभी कभी निकल जाता है। और इन्होंने कुछ और लिखा है पर रहने देते हैं उसके बारे में। भैया व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ लैंग्वेज फॉर स्टूडेंट कुलिक B1 एंड B2, डज यू नी हाल लगेंगे। हाँ भाई, B1 का अगर गोएथे सर्टिफिकेट है तो इनफ है, जैसे कि हाले दे देती है, टाम स्टार्ट दे देती है, और कौन सा, अनहल्ट भी दे ही देती है आई थिंक। हाँ तो B1 और B1 इनफ है, अगर B2 है तो बहुत अच्छा है। एंड डिड यू अप्लाई फॉर यूनिवर्सिटी फॉर स्टूडेंट कुलिक विद B1 सर्टिफिकेट। हाँ मैंने B1 से किया था, हाले किया था जिसका मैं एग्ज़ाम देने नहीं गया, टाम स्टार्ट गया किया था जिसका मैं एग्ज़ाम देने नहीं गया। और हाँ भाई परेशान ना हो, मतलब B1 पे हो जाता है। सारलैंड यूनिवर्सिटी मास्टर ऑफ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट को पार्ट टाइम IT जॉब सिटी की ऑनर मिलेगा क्या, ऑनर मिलेगा क्या,
हाँ मिल जाएगा अगर आप अच्छे से सर्च करोगे तो, सर्वोगाने मिल जाएगा। बट यार देखो बहुत बड़ी सिटी नहीं है टू बी ऑनेस्ट, मतलब थोड़ा ऐसे दो दो वीक आराम से सर्च करना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ कहाँ, जैसे कि मिल जाता है यार लेकिन सर्च करना पड़ता है थोड़ा मेहनत से भाई। सिम पोर्टल में अप्लाई करने के बाद कितना टाइम लगता है रिप्लाई कीजिए भाई। सिम पोर्टल में अप्लाई करने के बाद आपको थोड़ा वेट करना पड़ जाएगा, मतलब आपको वही वेट आप 1 month या फिर जिससे उनका एक पीरियड होता है कि इतना टाइम से इतना टाइम तक वो लोग ओपन है उनका, तो उसके बाद ही वो लोग सबका शॉर्ट लिस्ट करते हैं। तो टाइम थोड़ा वेट करो, अप्लाई करके चिल करो ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। C4 C5 मारूंगा तेरे को। और क्रिटिकल नॉलेज लिखते हैं गुड, थैंक यू भाई। और ये कोई है आग लगा रहे हैं एकदम, आग आग नहीं भैया, आग नहीं। 10 एग्जाम्स वीडियो इसमें फिलर डॉज के फुल 29 सर लेजेंड वेरिएंट 10 वीडियो में। अरे भाई अरे भाई हाँ, मतलब वीडियो की बात अलग है लेकिन भाई फीलिंग तो फीलिंग होती है भाई, अब मुंह से निकल ही जाता है, कितना भी गाली तो कैसे ही देंगे, गाली तो मुंह से निकलता है कि अब भाई मेंजा गए हैं, अब साला वो देखना कि ये क्या ब्रो आपकी एज क्या है। भाई मैं 21 का हूँ भैया, 12th के बाद डायरेक्ट सालन यूनिवर्सिटी में एडमिशन कैसे हो सकता है प्लीज़, वहाँ का कॉस्ट ऑफ लिविंग कितना, एडमिशन कैसे, एक डिटेल वीडियो बना सकते हैं क्या भाई। डिटेल वीडियो अगर मैं इस पर बहुत ज़्यादा बात करने को है नहीं, मतलब कॉस्ट ऑफ लिविंग आपको मतलब मेरा ऐसे 600 के आसपास रहता है, और एडमिशन डायरेक्ट वी असाइनमेंट अगर 94 92 प्लस है तो अप्लाई करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और बस यही है ब्रो, एसटी के लोन अमाउंट पर प्रोसेस वीडियो भाई एसटी के लिए भाई। अच्छा ठीक है, पवन कुमार कहते हैं, मैं इनसे मैं देखता हूँ बात करता हूँ, तुम्हारी हाइट क्या है, और इसमें विशाल शर्मा ने 17 सेंटीमीटर कमेंट किया है भाई। वो किसकी हाइट पूछ रहा पता तुझे, वो मेरी हाइट पूछ रहा है उसका नहीं। 175 है भाई, बहुत बड़ा नहीं हूँ लेकिन ठीक है एवरेज, मतलब कह सकते हो कि इंडिया में एवरेज हाइट। वैसे ये क्यों जानना है। और प्रिंस प्रिंस लिखता है, अब इसने 5 गुलाबी दिल दिया है, मैं इसको 10 देता हूँ, 3 3 6 9 10। दुर्गेश कुमार इंजॉय, राज चौधरी इनको भी मैं जानता हूँ अच्छे से, दुर्गेश कुमार इंजॉय, थैंक यू भाई, मजे ही मजे। कौन है ये, सॉरी नहीं हो पा रहा, मजे ही मजे, हाँ ठीक है थैंक यू भाई। विशाल शर्मा लिखता है BKLD, पता नहीं क्या है भाई, मैं बहुत शरीफ हूँ ये सब मुझे नहीं पता है, पर इतना पता है कि ये चू है। अपनी बात क्यों कर रहा है भाई, क्यों अपनी बात कर रहा है भाई, मैं नहीं बताना चाह रहा इंडिया के लोगों को कि तू क्या है और तू मतलब ये सब चीज़ें करेगा। भैया व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ लैंग्वेज फॉर स्टूडेंट को लिख B1 B2। B1 भाई B1, हाले के लिए B1, अनहल्ट के लिए B1, डामसर के लिए B1, मतलब ज़्यादातर के लिए B1 ही चाहिए। विच इज़ द बेस्ट वे टू ट्रेवल फ्रॉम फ्रैंकफर्ट टू, भाई IC, IC बेस्ट है भाई, और आपके साथ लगेज हो तो मतलब RE लेने का कोई मतलब नहीं बनता, RE से भाई एकदम फकअप हो जाएगा पूरा, क्योंकि हमेशा चेंज वेंज करना पड़ता है तो कोई मतलब नहीं बनता है। लवरच हाँ ठीक है, रील देख के पगला रहे हो तुम ना, हिंदी सॉन्ग्स लोफी। ब्रो डिड यू हैव एनी वर्क एक्सपीरियंस, नहीं भाई मैं भाई 12th पास आउट हूँ उधर से, और बाकी नौटंकी किया उधर और कुछ नहीं है, वर्क वर्क क्या होता है। इज़ इट हार्ड टू स्टडी वन कमिंग, भाई हाँ बिल्कुल नो डाउट भाई, इंडिया से बिल्कुल हार्ड है, ऐसा नहीं कि मतलब आओ और चिल करो और बस तुम्हारा डिग्री कंप्लीट हो जाएगा, नहीं इधर रगड़ना पड़ता थोड़ा, ST का हो गया नहीं भाई अभी कहाँ। अयोध्या कुमार 3 हा 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 2 हो, 2 गुलाबी दिल गुलाबी दिल। अंकित ब्रो प्लीज़ कट कैप्शन व्हेन यू स्पीक, प्लीज़ पुट कैप्शन व्हेन यू स्पीक जर्मन। ठीक है भाई ट्राई करूँगा यार, पर वो यार एक एक वर्ड को, अच्छा ठीक है कोशिश कर लूँगा पर नहीं मान के चलो भाई मैं, लेकिन कोशिश करूँगा। अरे मेहनत करना पड़ जाता है, मतलब एक एक वर्ड लिखो और फिर वो
कैप्शन कहाँ से पुट होता है वैसे? वीडियो में डाल दूँ क्या? ठीक, कोशिश कर लूँगा इसके लिए. भैया व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर टॉप एग्जामिनेशन बैचलर? भाई डिपेंड करता है कि आप, भाई ऐसा कट ऑफ वगैरह कुछ नहीं है. मतलब 12th के मार्क्स वाला कट ऑफ वगैरह इधर कुछ नहीं है. आप जर्मन, आपको जितना अच्छा आता है उतना अच्छा यूनिवर्सिटी मिल जाएगा. और अच्छा अच्छा इधर कुछ नहीं है भाई. क्या करना है, कौन सा कोर्स करना है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है. तो ठीक है, फिर यही था आज का वीडियो. और मैंने ऑलमोस्ट सबका रिप्लाई कर दिया है. और हाँ, और भी कोई डाउट हो, कोई भी कोई दिक्कत हो, क्वेरी हो, बात करना हो, बस हाजिर है यहीं पे. अभी तो मतलब क्लासेस बंद हैं, फ्री हूँ. मे बी मैं संडे को ऐसा लाइव सेशन करूँ तो ठीक है, उस दिन बात करते हैं. या फिर आप लोग ऐसा कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट में पूछ दो. मैं एक दो और ऐसे वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा एक दो हफ्ते बाद, ताकि थोड़ा सा कमेंट आ जाए तो बात करने में अच्छा लगे. बाकी ठीक है, कैसा लगा वीडियो? और कोई भी और दिक्कत हो तो बताओ. और चलो, बाकी ज़िंदगी सही चल रही है, मज़े में कट रही है ना. मज़े करते रहना भाई. देखो मज़े नहीं रुकने चाहिए, क्योंकि हम लोग एक ही पर्पज़ के लिए जी रहे हैं. मज़े, एक दिन मर जाएंगे, हम भी मर जाएंगे, तुम भी मर जाओगे, सब मर जाएंगे. इससे अच्छा है कि ज़िंदगी जितना जिंदे हैं, जिंदा है, अच्छे से जियो. अबे देखो, स्ट्रेस लेके क्या फ़ायदा भाई? देखो मान लो स्ट्रेस ले रहे हो तुम किसी चीज़ का, कि ये नहीं आ रहा, वो नहीं हो रहा, वीज़ा नहीं आ रहा है, क्या फ़ायदा उस चीज़ का? कुछ नहीं. तो इसलिए मज़े करो और हाँ, लाइफ जियो. चलो बाय.